जी, आपकी जो नई प्रोजेक्ट है दिल परदेसी हो गया, इसके बारे में, इसकी स्टोरी लाइन के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं फिल्म के बारे में? स्टोरी इज द ओनली सीक्रेट विच आई हैव, बट इट इज़ ए फिल्म विच हैज़ ऑफ कोर्स ए लव स्टोरी, बेस्ड ऑन लव स्टोरी, लेकिन देर इज समथिंग एल्स बिहाइंड द लव स्टोरी, जो आज सारी दुनिया में इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, फियर है, वॉर है, ऑल दीज फियर्स आर लूमिंग ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल. देर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, देर इज नो सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. सो हाउ इन ए लव स्टोरी आई हैव पुट इन ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग सम सोल्यूशन टू इट. आई मे से दैट इट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, देर थाउजेंड एंड वन अदर्स, बट आई हैव ऑल्सो ब्रॉट वन सोल्यूशन विच हैज नेवर बीन शोन इन द मूवीज बिफोर. दैट्स वाई इट मेक्स लिटिल डिफरेंट. इस फिल्म के बारे में और स्टोरी जो आप नहीं बताना चाहते लेकिन कुछ थोड़ा सा बता दीजिए. नहीं, मैं स्टोरी इसलिए नहीं बताना चाहता बिकॉज शब्दों में अगर आप कहानी बताएंगे और विजुअल जो होता है वो डिफरेंट होता है. विजुअल में कभी कई बार साइलेंट शॉट भी इतना ज़्यादा कन्वे करता है कि आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये जो कहानी है लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी में पेड़ के पीछे गाने गाने वाली लव स्टोरी नहीं है, ना वो डिस्को डांस है ना कुछ है. दिस इज़ ए वेरी दिल के करीब जो लोगों के आज प्रॉब्लम्स हैं कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ भगवान ने बनाई है जिस पर इतना जुल्म होता है, किस लिए? समाज, सोसाइटी, कानून, कंट्रीज, बॉर्डर्स, ये सारी प्रॉब्लम से दो मिलने वालों में बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है. और ये हक किसी को भी नहीं है, ये हक किसी को भी नहीं है कि मोहब्बत करने वालों पर कोई जुल्म करे. लेकिन इंसान ने जिस तरह के चीज़ें बना दी हैं दुनिया में चारों तरफ, वो आके उन लवर्स पे पड़ती है और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. इसके अलावा इसमें एक ऐसा मैसेज है जैसा आज सारी दुनिया खौफ से, खौफ ज़्यादा है, खौफ से डरी हुई रह, सॉरी, आज की दुनिया जो है खौफ ज़्यादा है और देर इज़ नो सिक्योरिटी, ना कोई पीस है दुनिया में. हर आदमी जो है डरा हुआ है ज़िंदगी से और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. चारों तरफ वार का खतरा है, इनसिक्योरिटी का खतरा है, रैंसम है, सो मैनी प्रॉब्लम्स. तो इन सब चीज़ों से इंसान घबराया हुआ है. तो इसका एक सॉल्यूशन इस फिल्म में दो लवर्स के जरिए, क्योंकि वो उसी प्रोसेस से गुजरते हैं. सो दिस स्टोरी इज़ लाइक दिस बिकॉज ऐसे कहानी बताना तो कोई सेंस नहीं, दो ढाई घंटे लगेंगे भी अगर पूरी सुनानी होगी तो. इस फिल्म में आपने न्यूकमर्स को कास्ट करने का निर्णय लिया है, इसकी कोई खास वजह? हाँ, उसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि मेरी कहानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में है. एक सिंबल है इंडिया और पाकिस्तान. ये कहानी दो मुल्कों की, कि दो मुल्क भी क्यों, दुनिया सारा एक मुल्क होना चाहिए, लेकिन दो मुल्कों को लेके मैंने सारी दुनिया को रेफर किया है. और इसमें लड़की पाकिस्तानी है. अगर मैं करीना कपूर, करिश्मा कपूर या ऐश्वर्या राय या और किसी हीरोइन को लेता है तो लगता है ये वो फलाने आर्टिस्ट हैं. बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको आइडेंटिफाई करना कि ये पाकिस्तान की लड़की होगी. एक नई लड़की होगी तो लोगों को लगेगा कि ये वाकई पाकिस्तान की लड़की है. और आप फिल्म में देखना, ये जिस लड़की को मैंने लिया है वो लगती है कि पाकिस्तान की, और इसी तरह लड़का. तो वो पेयर नया होता है, फ्रेश होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. मैं चाहता था कि मेरा जो हीरो है वो बहुत मैच्योर न लगे, क्योंकि आज जो सक्सेसफुल हीरो हैं वो सब मैच्योर, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल, बॉबी देओल, सारे मैच्योर हैं. तो यंगस्टर्स में तो फिर किसी को भी लीजिए, तो नए को ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है. इसलिए वो लिया. वो कास्टिंग करना बहुत सही, कास्टिंग बहुत ज़रूरी था. दैट्स वाई टेकन द न्यू कॉमर्स. दे विल लुक रियल, सच लगेंगे वो. जब आप देखेंगे फिल्म तो एकदम सच लगेगी, हाँ ये लड़की पाकिस्तान की हो सकती है, लड़का हिंदुस्तान का हो सकता है. लेकिन कहानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के लवर्स की नहीं है. दो अजीब गरीब कहानी है जिसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सिवाय दो कैरेक्टर्स के, दे आर ग्रेट ह्यूमन बींग्स, अच्छे इंसानों की कहानी है. मैंने इसमें पॉलिटिक्स का जिक्र किया है, ना इस धर्मों का कोई जिक्र किया है, ना कोई कंट्रीज़ की वॉर या कुछ ऐसा कुछ नहीं है. फिर भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स, तलवारें सर पर लटकी हुई हैं और प्यार करने वालों को कितनी मुसीबत होती है.
इस फिल्म के टाइटल में दिल परदेसी हो गया, इसमें किसका दिल परदेसी हो गया? दोनों का हो गया ना, हिंदुस्तान का दिल पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान का दिल हिंदुस्तान आ गया, दोनों के दिल परदेसी हो जाते हैं। इसी दिस इज जो मैं आपको बता रहा था ना, ये भी जो आपने सवाल किया कि किसका दिल परदेसी हुआ, कट करना भाई, ये यहाँ हाँ हाँ जी, किसका दिल परदेसी हो जाता है? हाँ, दोनों का दिल परदेसी हो जाता है, उस लड़के का दिल हिंदुस्तानी के पास चले जाता है, हिंदुस्तानी का दिल पाकिस्तानी लड़के के पास चला जाता है। तो ये जो दो कंट्रीज बताई है, एक ज़माने में कोई कंट्री नहीं थी। इस फिल्म का जो बेसिक मैसेज है वो ये है कि कुदरत ने बख्शा था हमको एक हसीन जहान, टुकड़े टुकड़े कर डाला क्यों तूने इंसान, कहीं बनाया अमरीका और कहीं पर हिंदुस्तान, कहीं पर रशिया कहीं पर यूरोप कहीं पर पाकिस्तान, आओ मिलकर बनाएं अमन का ऐसा एक मकान जिसमें रहे इंसानियत और रहे इंसान। दिस इज़ द बेसिक मैसेज इन द फिल्म, सो दैट एवरीबडी कैन लिव इन पीस, शांति से सारी दुनिया के लोग रह सकें, सारी दुनिया में अमन हो जाए, शांति हो जाए, पीस हो जाए, उसके लिए हम सबको एफर्ट करना चाहिए। एंड आने वाली नस्लों से यही उम्मीद है कि कोई गन्स कोई बॉम्ब्स कोई अम्यूनेशंस कोई शांति नहीं ला सकते, अगर शांति कोई चीज़ ला सकती है वो है मोहब्बत। ये बेसिक मैसेज है फिल्म का। इस फिल्म का टाइटल पहले कुछ अलग ही था, और इसके चेंज होने की वजह क्या है? नहीं, वो टाइटल था तो वो बड़ा डायरेक्ट टाइटल था, वो कुछ और रॉन्ग मीनिंग कन्वे कर सकता है, इसलिए वो चेंज करके फिर मैंने ये टाइटल रखा। इस फिल्म का म्यूजिक गाने तो मैंने लिखे हैं, म्यूजिक उषा जी का है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस म्यूजिक। उषा जी हैज़ गिवन बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक दिया है, आठ गाने आठों ही अलग अलग हैं, आठों डिफरेंट सिचुएशंस पर हैं, और एक गीत है इसके अंदर शहीदों के ऊपर, तो उनको श्रद्धांजलि देता है हमारा आशुतोष राणा, मेजर हैं आर्मी में, ही इज़ प्लेइंग अनदर हीरो इन द फिल्म, तो वो श्रद्धांजलि देते हैं। तो वो गाना मैंने जब आई पी मिनिस्टर थी सुषमा जी, तो उनको मैंने सुनाया था, बाई चांस मुझे एक मौका मिला था उनसे मिलने का, तो मैंने ऐसे वो गाना उनको सुनाया, 10.5 मिनट का गाना है वो 10.5-11 मिनट तक मुझे उस गाने के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स देती रही कि बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, इतना उनको पसंद आया। तो वो गाना इस फिल्म में है, एंड वो अलग ही गाना है, बरसों के बाद ऐसा गाना किसी फिल्म में आया है, और बाकी सब तो रोमांटिक गाने हैं, और लास्ट में एक सॉन्ग है जो अभी मैंने शब्दों में बताया है, वो ये गाना है, उसी के वो लफ्ज़ हैं। बाकी म्यूज़िक इज सो मेलोडियस, सो ब्यूटीफुल, आई थिंक मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उषा जी के बारे में कह सकता हूँ कि शी इज़ सच ए टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर कि मैं कुछ भी कहूँ तो कम है उनके लिए।